एकमात्र यमराज मंदिर ग्वालियर में है जो लगभग 300 साल पुराना है। दीपावली के एक दिन पहले यानी नरक चौदस पर यमराज की पूजा के साथ उनका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया जाता है। साथ ही यमराज से मन्नत मांगी जाती है कि वह उन्हें अंतिम दौर में कष्ट ना दे। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे के पास मार्कंडेय मंदिर है। इस मंदिर में यमराज की प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना सिंधिया राजवंश के राजाओं ने लगभग 300 साल पहले इस मंदिर में कराई थी। यमराज की नरक चौदस पर पूजा अर्चना करने को लेकर धार्मिक मान्यता है, जिसका पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है। इसके उपलक्ष्य का जो महत्वपूर्ण या विशेष कार्यवाही यह होता है कि आज के दिन श्री यमराज की पूजन किया जाता है, तेल से अभिषेक किया जाता है एवं दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा में घी तेल का दीपक जलाया जाता है। अब दक्षिण दिशा में ही क्यों जलाया जाता है? क्योंकि दक्षिण दिशा को नरक का दिशा या नरक का द्वार मानते हैं। जब हम इसके दृष्टांत की, इसके इतिहास की बात करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार है कि नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर जो नरकासुर नामक राक्षस था उसका वध किया था। नरकासुर को ही हम भौमासुर भी कहते हैं। अब नरकासुर का वध क्यों किया था, इसके पीछे भी एक दृष्टांत है। क्या नरकासुर जो था उसको यह वरदान था कि उसकी मृत्यु सिर्फ स्त्री के हाथों ही होगी। इस कारण से, इस भय से नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को अपना बंदी, कन्याओं को अपना बंदी बना लिया था। जब कृष्ण भगवान को यह बात पता चली तो वह सत्यभामा के साथ जाकर नरकासुर की, उसको वरदान था कि स्त्री ही उसका वध कर सकती है, तो सत्यभामा को वो अपने साथ ले गए और सत्यभामा के द्वारा उनका वध किया गया। उनके वध के बाद जो कन्याएं थीं 16,000 उनको श्री कृष्ण ने अपना लिया, इसलिए श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों के रूप में वो जानी जाती हैं। और उनके वध के बाद इस खुशी में कि वो कन्या वो हो गई है, उसका इस उपलक्ष्य में दीपों को जलाया गया, इसलिए हम आज के दिन दीप जलाते हैं। उसके बाद जो इनकी मृत्यु के बाद जो तेज रक्त के छींटे कृष्ण भगवान के शरीर पर पड़े थे, उस रक्त के छींटों को साफ करने के लिए इनका तेल से स्नान कराया गया, इसलिए आज के दिन तेल का स्नान कराया जाता है। ये आज के दिन की कथा है, आज के दिन का वृतांत है। मान्यता है कि यमराज ने जब भगवान शिव की तपस्या की थी, यमराज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यमराज को वरदान दिया था कि आज से तुम हमारे गण माने जाओगे और दीपावली से एक दिन पहले नरक चौदस पर जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना और अभिषेक करेगा उसे सांसारिक कर्म से मुक्ति मिलने के बाद उसकी आत्मा को कम से कम यातनाएं सहनी होंगी, साथ ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से नरक चौदस पर यमराज की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यमराज की पूजा अर्चना भी खास तरीके से की जाती है। पहले यमराज की प्रतिमा पर घी, तेल, पंचामृत, इत्र, फूलमाला, दूध, दही, शहद से यमराज का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद दीपदान किया जाता है। इसमें चांदी के चौमुखी दीपक से यमराज की आरती उतारी जाती है। यमराज की पूजा करने के लिए दूर दराज से लोग ग्वालियर आते हैं और यमराज को अपनी आराधना से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। संभवतः ग्वालियर में स्थित यमराज का ये मंदिर देश का इकलौता मंदिर है। यही वजह है कि ये लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर साल नरक चौदस पर देश भर से श्रद्धालु आते हैं।